इस बार दिवाली पे मेरी ड्यूटी लगी थी दिल्ली से पटना तक की एक ट्रेन में। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना अपना, ना रेलवे का, ना ही ट्रेन का। जो मंजर मैंने इस बार देखा वो शायद ही किसी ने देखा होगा और शायद ही कोई आगे देख पाएगा, क्योंकि ट्रेन में लोग नहीं जा रहे थे, लोग जा रहे थे उनके कहीं छुप के उनमें ट्रेन जा रही थी। आपको खिड़कियों से बाहर लोगों की चूतने दिख रही हैं, दरवाजे से बाहर लोग लटके दिख रहे हैं आपको। मतलब आपके अगर ये दो दरवाजा है तो ऐसे हो गया था दरवाजा, उसमें 10-10 लोग लटके हुए। हर आदमी के हाथ में जो आ रहा था पकड़ के खड़ा था, क्योंकि जिसको हैंडल मिला वो हैंडल पकड़ा था, जिसको किसी के बेल्ट मिली वो बेल्ट पकड़ के खड़ा था। और टीसी का काम होता है कि जाके टिकट लोगों का चेक करना कि हर आदमी अपनी सीट पर बैठा है कि नहीं, और कोई एक्स्ट्रा आदमी हो तो उसका चालान काटने उसको उतार देना। तो टिकट तो तब करता जब सीट दिख रही होती। बोगी में सिर्फ लोग भरे हुए थे, किसी बड़ी मुश्किल से मैं भरा बोगी में घुसा, वो भी मैं घुसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे खुद पटना जाना था, वरना मैं उस दिन रिज़ाइन कर देता। फिर यह हुआ मेरी भी दिवाली छूट जाएगी, मैं किसी तरह घुस तो गया, लेकिन घुसने के बाद मुझे पता चला कि भीड़ क्या होती है। लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में बहुत भीड़ होती है, मैं कहा अरे एक बार दिवाली पे किसी बिहार जाने वाली ट्रेन में बैठ के देखो तो पता चलेगा भीड़ क्या होती है। चारों तरफ सिर्फ इंसान थे, मतलब बोगी का कलर, सीट का कलर आपको नहीं पता चल पाएगा। डर लग रहा था कि कहीं किसी से टिकट मांगो तो कोई मुझसे सीट ना मांग ले, मैं कहाँ से दूंगा। टीटी को एक सीट दी जाती है कि ये आपकी सीट होगी, तो मैं कहता हूँ वो सीट आपको कोच में नहीं देनी चाहिए, वो या तो इंजन में दे दो। चाहे मुझे लगता मैं हूँ ही क्यों टीटी, इससे अच्छा मैं लोको पायलट होता, कम से कम कितनी भीड़ होती, कम से कम दो ही लोग बैठ के तो जाते। ट्रेन रात में चली थी और मैं S1 में घुसा किसी तरीके से मेहनत करके कि भाई मुझे भी लेते चलो। शुक्र किया जो लोग बैठे हैं, गुजारिश की भाई मुझे भी अंदर ले लो, मुझे भी जाना है। किसी तरह मुझे अंदर घुसाया गया। अगले दिन में पहुंचती है ट्रेन पटना और मैं S2 तक ही पहुंच पाया था। और चलने की जगह तो थी नहीं, तो आपको बोलना था भाई साहब मुझे थोड़ा ढकेल दो, क्योंकि भाई मुझे उठा के वहाँ रख दो। तो लोग आपको किसी तरह यहाँ से वहाँ पहुँचा दे रहे थे। और ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही थी कि पुलिस को देखने जाना था कुछ हो तो नहीं रहा है। अब उस डब्बे के अंदर जो हो रहा है, जो होगा, वो उन्हीं लोग को पता है। ना वहाँ पुलिस पहुँच सकती, ना टीटी पहुँच सकता, ना वहाँ आर्मी पहुँच सकती है, कोई नहीं पहुँच सकता उन डब्बों के अंदर जब तक वो ट्रेन खाली नहीं हो जाती। उस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ थी कि एक बार आप घुस गए तो जो पानी खाना आपके पास है बाहर उसे आप खा लीजिए, और जो अंदर है उसे आप वहीं निकाल दीजिए, क्योंकि आप वहाँ से हिल नहीं सकते। लोग मुंबई में कहते हैं कि लोकल में बहुत भीड़ होती है, अरे एक बार दिवाली और छठ पे हमारे यहाँ आओ, दिखाते हैं भीड़ क्या होती है। तो मैं तो कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छा हुआ छोड़ दिया टीटी, वो जाके क्रिकेट खेलने लग गया, क्योंकि ये जॉब है ही नहीं करने लायक। भाई साहब थैंकलेस जॉब है एकदम। संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 3।